हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पूरी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने पानी लिया है डो बनाने के लिए, और ये मैंने जीरा लिया है आधा टेबल स्पून से थोड़ा कम, और हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 चम्मच, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और ये मैंने मिर्ची पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, और आटा लिया है मैंने 1 कप गेहूं का, और उसे छान लिया है मैंने, और ऑयल लेंगे हम फ्राई करने के लिए, और हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे या थाली ले लेंगे जिसमें डो बनाते होंगे, और उसमें आटे को हम निकाल लेंगे। मैंने 1 कप लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा आप कम भी डाल सकते हैं ज़्यादा भी, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, लेकिन इसमें हल्का नमक रहता है तो अच्छा लगता है। और हल्दी थोड़ा सा डालेंगे हम, इससे क्या अच्छा कलर आता है पूरी में। और मिर्ची पाउडर, और अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बगैर इसके भी बना सकते हैं आप। और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, क्योंकि मैं मसाला पूरी बना रही हूँ तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ, और आप वैसे चाहिए तो बना सकते हैं नमक और तेल डाल के, लेकिन मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, और इससे पूरी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, एक और डालते हैं 3 टेबल स्पून, अच्छे से इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले इसे अच्छे से। और इसको मैंने अच्छे से हाथों से आप मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स करना है, और ऐसे करके अच्छे से हाथों से इसको मसलना है कि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें हमारे डो में। और इससे क्या होता है, पूरी बहुत अच्छा बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ऐसे बना के। और गांव में है सिर्फ आटा डो बनाते हैं और ऐसे ही पूरी बनाते हैं, वो अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए मैं उनके लिए दिखा रही हूँ, तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें। और इसमें हम डालेंगे पानी, और गीला डो नहीं बनाना हमें, और पूरी का कभी भी थोड़ा टाइट डो बनाते हैं, एकदम टाइट भी नहीं लेकिन थोड़ा टाइट बनाना चाहिए, उससे पूरी बहुत अच्छा बनता है। तो इसे मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसे डो बनाएंगे। ये देखिए मैंने डो बना लिया है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से एक बार वो कर लेंगे, और ये ना गीला है और ना ज़्यादा टाइट है डो, और इसको अच्छे से मैं वो कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए ये ना टाइट है ना वो है, ऐसे करके पूरी बनाई बहुत अच्छा बनेगा, तो इसको मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। ये मैंने डो बना लिया है, अभी इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे, एक पेड़ा बनाएंगे ऐसे करके, आपको जितना मोटा पतला बनाना आप उसी हिसाब से बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम बना लेंगे। ऐसे ऐसे, और इसको हम साइड में रख देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे, मैं हल्का सा लगा रही हूँ, और ऐसे करके ना इसको पूरी बना लेंगे हम, बेल लेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा पूरी बनाना हो बना सकते हैं, ऐसे करके हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। तो ये मैंने पूरियों को बना लिया है, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है, ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो पूरियाँ हम फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी इसमें हम पूरियों को डाल लेंगे। और गैस को हाई कर देंगे, ऑयल गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद कम कर दीजिए, उसके बाद फास्ट करेंगे। और पूरियों को आप एक एक करके पूरियाँ तलिए, तो उससे क्या होता है पूरी जो है फूली फूली होती है और अच्छी होती है। और गैस को हम फास्ट कर देंगे, और इसको हम पलट लेंगे थोड़ा सा पकने देंगे, और एक दूसरा हम डाल लेंगे इसके अंदर,
पूरी, और इसको हम भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और पूरियाँ तो सब बनाते अलग अलग तरीका होता है, आप ऐसे बना के देखिए एक बार, बहुत अच्छा बनता है पूरी, और सारी पूरियाँ अच्छे से फूली फूली होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और इसको हम पलट लेंगे दूसरे साइड से भी ऐसे करके, और इसको फ्राई होने देते हैं। तो ये पूरियाँ हमारी अच्छे से, देखिए कलर इतना अच्छा आया पूरी का, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर लेगा ये, ऐसे करके निकाल लेते हैं। सारा तेल निकलने दीजिए कढ़ाई में, उसके बाद पूरियों को निकालिए। और दूसरा भी हम डाल लेंगे, इसी तरह सारी पूरियाँ हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे करके हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेते हैं, और देखिए सारी पूरियाँ फूली फूली बनेंगी और अच्छी बनेंगी। तो मैं बाकी भी सारे ऐसे पूरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं, इसे भी हम पलट लेंगे पूरी को, और इसे मैं निकाल लेती हूँ और सर्व करते हैं हम। ये मैंने पूरियों को एक प्लेट में निकाल लिया है, तो ये हमारी पूरियाँ बनके तैयार है, हमारा मसाला पूरी बन गया है। और आप ऐसे बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और देखिए कितना अच्छा दिखने में, और सारी पूरियाँ एकदम फूली फूली बनी हैं। और बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।